राजधानी पटना के जिला परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुमारी स्तुति की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। उनका जाति प्रमाण पत्र कानून सम्मत नहीं पाया गया। पटना के एडीएम ने कुमार स्तुति के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा भी कर दी है। एडीएम सामान्य ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखा है। पत्र में स्तुति के जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम और पता में गड़बड़ी का जिक्र किया गया। उनके जाति प्रमाण पत्र को नियमानुकूल नहीं मानते हुए उन पर कार्रवाई की अनुशंसा कर दी गई। मालूम हो कि पटना जिला पार्षद में अध्यक्ष की कुर्सी अति पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है, लिहाजा इस पद के लिए उम्मीदवारी करने वाली महिला जिला पार्षद को नामांकन के समय जाति प्रमाण पत्र देना होता है। पटना के एडीएम ने स्तुति के कागजातों की जांच के बाद पाया कि उनका जाति प्रमाण पत्र में कई गड़बड़ियां हैं। उसमें कहा गया कि कुमार स्तुति ने 3 जगह से जारी प्रमाण पत्र जांच के दौरान दिया है। एक प्रमाण पत्र पटना के संपतचक प्रखंड से जारी किया गया, इसमें पिता के नाम की जगह पति रविंद्र कुमार का नाम लिखा हुआ है। स्तुति ने बिहार शरीफ प्रखंड और अंचल कार्यालय से जारी प्रमाण पत्र दिया है, जिसमें पिता के रूप में मुन्नीलाल साव का नाम दर्ज है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत किसी महिला की जाति वही मानी जाती है जो उसके पिता की जाति होती है। भले ही वो किसी जाति के लड़के से शादी करे, उसकी जाति वही रहेगी जो पिता की जाति थी। पटना के एडीएम ने कहा है कि सभी प्रमाण पत्रों की जांच से पता चलता है कि एक ही व्यक्ति के जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम अलग अलग हैं। एडीएम ने इस नियमानुकूल नहीं मानते हुए कार्रवाई की अनुशंसा कर दी है। 10 दिन पहले कुमारी स्तुति पटना जिला पार्षद की अध्यक्ष चुनी गई थी। उन्होंने जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष अंजू देवी को हराया था। इस मामले में जिला परिषद अध्यक्ष कुमारी स्तुति से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, पर उनसे संपर्क नहीं हो सका। है वो एलिगेशन बेबुनियाद है। बेबुनियाद इसलिए कि देखिए, आज ये मेरा एक्सेप्शनल केस नहीं है कि जो हमारे फादर के नाम के जगह हस्बैंड का नाम आ गया है। वो नॉर्मल है, हर किसी के साथ होता है। आप लोगों में से भी कोई होंगे जिनका कि सर्टिफिकेट में नाम ऊपर नीचे हो जाता है, या पड़ोसी की वाइफ का नाम पति का नाम चेंज हो जाता है, वो वाइफ उनकी नहीं हो जाएगी। ठीक मेरे साथ भी वही हुआ। संपाचक से ऑनलाइन प्रोसेस है। 2016 में मेरा जाति है बिहार शरीफ नालंदा से, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बना है, हम वहीं से बिलोंग करता है, मेरा मायका वहीं है। और वहीं के आधार पर 2016 के आधार पर 2021 में यहाँ संपाचक से बनाया गया। ऑनलाइन सिस्टम होने के कारण यहाँ से बोले कि बन जाएगा, हम वहीं पे बनवाए हैं। और उसमें सिर्फ एक ही टेक्निकल फॉल्ट है, बार बार हम इस पे जोर दे रहे कि सिर्फ एक फॉल्ट है कि पति का नाम आ गया वहाँ पे रविंदर कुमार, जबकि मेरे पिताजी मुनीलाल साव है। ठीक है, तो इस आधार पे उसके नीचे माता का नाम कांति देवी है, उसके नीचे अगर आप पूरे लाइन पढ़िए तो उसमें हमारा तेली समुदाय से आते हैं, तेली विवरण है। पुराने वाले में भी वही है। 2021 में दिसंबर में फिर उसको वेरिफिकेशन कराने के लिए एक बार और बनवाया गया, उसमें सारे चीज़ सही है कि कहीं टेक्निकल फॉल्ट नहीं है कि कोई और है क्या है, उसको क्लियर करने के लिए फिर से बनाया गया। संपाचक में हमने जब वो टेक्निकल फॉल्ट हमें न्यूज़ मीडिया के थ्रू जब मिला तो हमने फिर से वहाँ कंप्लेन दर्ज करवाया कि इसमें क्या है नहीं है। उन्होंने बताया कोई नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। हमने एप्लीकेशन लगा दी, उन्होंने एक संपर्क वो पेपर भी एक्नॉलेजमेंट दिया है, का हार्ड कॉपी घर पे है, यहाँ पे तो है नहीं। इसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि इनका जो 2016 का सर्टिफिकेट था उसके आधार पे हम ये सर्टिफिकेट निकाल के इनको दे रहे हैं। ये जाति से तेली आते हैं और ये हमारा एक नाम पति के जगह पिता का आ गया, उसको हम सही करके आगे भेज दिया जाएगा जहाँ पे निर्वाचन आयोग है। ये है विभाग ने अपनी सफाई दे दी है इस मामले विभाग ने तो अब उनका जो है विपक्ष वाला, उनका कहना है कि जो इनके हस्बैंड है उन्हीं का जाति इनका आएगा। और हमारा कहना है, हमारा नहीं सरकार का कहना है कि जो हमारा जाति है वही जाति रहेगा, जो हमारे पिताजी का, जैसे हम तेली समुदाय से आते हैं, उनका कहना नहीं इनके पति पासवान है तो पासवान समुदाय से आना चाहिए, ये कहना है। बस यही बात का मुद्दा है। और ये हमारा सर्टिफिकेट मायके से बनना चाहिए। 2016 में भी हम इलेक्शन लड़े थे तो मेरा 2016 का मायके का बना हुआ है, उसी के आधार पर रिनेबल हुआ। जैसे ऑनलाइन सिस्टम होता है, कोई भी चीज़ अगर आप एक बार बना लिए उसको रिनेबल या अपडेट करने के लिए आप उसको ऑटोमेटिक कहीं भी किसी भी साइबर कैप से निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बिहार सरकार है तो बिहार सरकार के किसी कोने से निकाल सकते हैं। संपाचक भी हमारा बिहार सरकार में आता है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट भी बिहार सरकार में आता है। हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट से मायके और ससुराल मेरा पटना डिस्ट्रिक्ट से है, लेकिन है तो बिहार सरकार। 2016 में हम वहाँ से बनाए, हड़बड़ी में इलेक्शन था, थोड़ा जल्दबाजी में हस्बैंड यहाँ संपाचक से बनाए। संपाचक से बनाने के चक्कर तो आप पेपर देख सकते हैं, अलग नहीं है वो। हमने जैसे कहा कि 2016 में हमारे पिताजी का था और अभी भी पिताजी का, ये चाहें तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, बिहार सरकार का साइट खोल के आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। क्योंकि इस मामले में स्टेटमेंट आया एडीएम का, तो क्या कहना चाहिएगा आप इस मामले में आगे?
बस हमारा उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एक बार क्लियरफाई करके कुछ भी स्टेटमेंट या विज्ञापन दीजिए, बिना जाने पहचाने के इनका देने से हमारा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि हमारे भी बहुत सारे शुभचिंतक है, वो लोग परेशान हो जाते हैं, सुबह रात कॉल करते मैम क्या हो गया, हम जान रहे कि हम सही है, सबको समझाना पड़ना थोड़ी मुश्किल होता है। क्या चाहते हैं कि आप ये कुछ संज्ञान हो रही संज्ञान दिया जाए, क्या चाहते हैं? फॉरवर्ड का, ये फॉरवर्ड का आरोप तो नहीं लगा है और ना ही लग सकता है, हम यही चाहते हैं कि ये एक टेक्निकल फॉल्ट है, थोड़ी सी माइंड से सोचा जाए आदमी को कि ये कहीं से भी हो सकता है, क्या हमारे जाति में जाति चेंज है कहीं पे? अगर आप कह रहे हैं कि वो 3 सर्टिफिकेट जमा किए हैं 2016 2021 का, 2 और सर्टिफिकेट कहीं पे भी ये दिखा दे कि गडतेली समुदाय ने पिताजी का नाम चेंज है या जगह जगह तो चेंज होगा ही, हम बिहार नालंदा में थे, आप ससुराल में, संपचक में, तो मेरा ये कहना है कि एक बार अच्छे से वेरीफाई करके कुछ भी विज्ञापन करें। अब टेक्निकल फॉल्ट के जी बिल्कुल करेंगे चैलेंज, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा कठिनाई उठाना पड़ रहा है, हमारे जो शुभचिंतक जो जिनका आशीर्वाद है, जो लोग हमारे साथ हैं वो लोग परेशान हो रहे हैं, हमसे ज़्यादा वो लोग परेशान हैं।